आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ 3831 वोटों से जीत गई है। डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ को कुल 5,83,866 वोट्स मिले हैं, जबकि डॉक्टर सुभाष भामरे को 5,80,085 वोट मिले हैं। डॉक्टर सुभाष भामरे की ओर से बार बार ऑब्जेक्शन होता रहा, जिसके कारण काउंटिंग जो है ये लंबती रही और रात में 11 से 11:30 बजे के बीच जिला कलेक्टर ने अनाउंस किया, आधिकारिक तौर से ये डिक्लेयर हुआ कि डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ विजय हो गई, जीत गई। डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ की जीत का जश्न मालेगांव धुलिया लोकसभा हलके में खूब मनाया जा रहा है। लोगों में खूब खुशी है कि फिर से एक बार सेकुलर उम्मीदवार की जीत हुई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि धुलिया मालेगांव लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ विजय हो गई है, जीत गई है। कुल वोट 5,83,866 मिले हैं और डॉक्टर सुभाष भामरे को 5,80,085 वोट मिले हैं। इस तरह डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ 3,831 वोट से जीत गई है। वक्त की बड़ी खबर ये है कि धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ 3,831 वोटों से जीत गई है। डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ को कुल 5,83,866 वोट्स मिले हैं, जबकि डॉक्टर सुभाष भामरे को 5,80,085 वोट मिले हैं। डॉक्टर सुभाष भामरे की ओर से बार बार ऑब्जेक्शन होता रहा, जिसके कारण काउंटिंग जो है ये लंबती रही और रात में 11 से 11:30 बजे के बीच जिला कलेक्टर ने अनाउंस किया, आधिकारिक तौर से ये डिक्लेयर हुआ कि डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ विजय हो गई, जीत गई। डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ की जीत का जश्न मालेगांव धुलिया लोकसभा हलके में खूब मनाया जा रहा है। लोगों में खूब खुशी है कि फिर से एक बार सेकुलर उम्मीदवार की जीत हुई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि धुलिया मालेगांव लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ विजय हो गई है, जीत गई है। कुल वोट 5,83,866 मिले हैं और डॉक्टर सुभाष भामरे को 5,80,085 वोट मिले हैं। इस तरह डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ 3,831 वोट से जीत गई है।